अगली खबर में बात करते हैं सतना की, जहां मजदूरों के हक की आवाज उठाना श्रमिक नेता मनीष शुक्ला की अंधी हत्या की वजह बन गया। केजीएस सीमेंट फैक्ट्री मैहर में श्रमिक संगठन सीटू के अध्यक्ष मनीष शुक्ला पिता प्रहलाद शुक्ला उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम नकतरा थाना मैहर, जो केजीएस फैक्ट्री में यूटिलिटी ऑपरेटर की पद पर कार्य करते थे और संगठन के अध्यक्ष पद पर थे। दिनांक 19/9/2022 को मनीष शुक्ला की शिफ्ट खत्म होने पर सहयोगी के साथ मोटरसाइकिल से घर जाने के लिए बाहर निकले थे। मोटरसाइकिल को मनीष शुक्ला चला रहे थे। रात्रि के करीब 10:06 पर साथी को मनीष शुक्ला घर के पास मोटरसाइकिल से उतार कर अपने घर के लिए बाईपास वाले रास्ते से निकल गए, जिनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। इसकी सूचना साथियों को मिली तो आनंद फानन में पुलिस को जानकारी देकर उपचार के लिए पहुंचाया था, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। पायल ने अपनी साथियों से बताया था कि तीन लोग पीछे से मोटरसाइकिल से आए थे, जो मेरे सिर में पीछे से राड से मारपीट किए हैं और पैर में भी मारे हैं। मौत के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की तो कंपनी के अधिकारी के साथ तो अन्य सहयोगियों के द्वारा सूत्रों को सुपारी देकर हत्या करवाने का मामला उजागर हुआ। आइए सुनाते हैं पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने क्या जानकारी दी है। जैसा कि ज्ञात है, दिनांक 19 तारीख को हुई वारदात, जिसमें कि मृतक मनीष शुक्ला, जो कि सीटू के ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे, उनकी तीन अज्ञात हमलावरों ने एक मोटरसाइकिल पर आकर के मारपीट करके हत्या कर दी। उस मामले में पुलिस ने अभी तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह, मुकेश चतुर्वेदी, जयप्रकाश सोनी, प्रमोद सिंह, शिवलोचन, अशोक कुमार सिंह, रवि शुक्ला, संजीव शुक्ला और उपेंद्र कुमार पांडे। इसमें से संजीव शुक्ला मुख्य आरोपियों में से एक हैं, उन तीनों में से बाकी 2 आरोपी रिशु परिहार और अमित और बलिया और दीपू, ये अभी फरार हैं, जिनकी जो है पुलिस सरगर्मी से तलाशी। किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? मामला दर्ज हुआ है धारा 302 और उसके बाद में अन्य आरोपियों की मिलीभगत और षड्यंत्र के कारण ये हत्या हुई है, इसकी वजह से आपराधिक शरण 120 बी धारा का इजाफा। सर, जैसा कि संजय सिंह एचआर हेड थे, फैक्ट्री प्रबंधन का भी कोई आदमी इसमें शामिल है, उसको भी आरोपी बनाया गया। फैक्ट्री प्रबंधन के 2 लोगों को, संजय सिंह और मुकेश चतुर्वेदी का इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, इसी की वजह से उनको भी आरोपी बनाया जाकर के गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। सर, जैसा कि संजय सिंह एचआर हेड थे केजीएस में, क्या ऊपर सीईओ है, प्रेसिडेंट है केजीएस के, क्या इसमें उनका भी रोल है इसमें, क्योंकि बिना जानकारी बिना उनके कुछ घटना न दी हो? अभी तक की जांच में संजय सिंह का रोल आया है, उनको गिरफ्तार किया गया, बाकी भी विवेचना जारी। सर, वजह क्या? हत्या की वजह थी कि वो मृतक मनीष शुक्ला की जो है पॉपुलैरिटी बढ़ती थी, बढ़ रही थी, वह लगातार मजदूरों की जो बात है वो सामने रखता था, उनकी जायज़ मांगों को, इसकी वजह से यह और बाकी जो ट्रेड यूनियन थे उनके साथ में इनका मनमुटाव भी था, इसकी वजह से आत्माराम शुक्ला आरोपी हैं। आत्माराम शुक्ला के द्वारा 3 गुंडों को बुला करके ये हत्या कराई गई,